तो बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, पिछले अगर 24 घंटों में बात करें तो एक के बाद एक दो बड़े झटके ये लगे। अमिताभ बच्चन ने आज खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी, ऋषि कपूर नहीं रहे। आपको बता दें कल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फरवरी में ही अगर हम हाल ही में बात करें तो लगातार कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। फरवरी में दो बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक बार जब वो दिल्ली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे तो उन्हें वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इसकी तो जानकारी खुद ऋषि कपूर ने दी थी। उन्होंने खुद कहा था कि वो संक्रमण से पीड़ित हैं। इसके बाद में जब मुंबई लौटने के बाद में फिर से उन्हें वायरल बुखार हुआ जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी लगातार मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हैं। शैलेंद्र, मुंबई में किस तरह की हलचल है, क्या जानकारी मिल रही है? अब अगर अंतिम प्रक्रियाओं की बात करें, हालांकि कोरोना का वक्त है, बहुत ज़्यादा लोग तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ऋषि कपूर को लेकर उनके फैंस के साथ साथ उनके साथ काम कर चुके लोग जो हैं वो बेहद बहुत स्तब्ध हो गए हैं ऋषि कपूर के मौत की खबर के बाद। इसके अलावा अगर बात करें, जो वर्ग ऐसा है, छोटे बुजुर्ग और जो नौजवान, एक ऐसा वर्ग है जो लगातार ऋषि कपूर का फैन बना हुआ था। अगर ऋषि कपूर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो उसमें छोटे बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, इस तरह के तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं, और कहीं ना कहीं उनमें अब इस चीज़ को लेकर निराशा है कि अब उन्हें ऋषि कपूर की फिल्में जो हैं वो नहीं मिलेंगी।